वालेकुम अस्सलाम आदाब। इसके अकाउंट आप देख रहे हैं मेरे सुंदर बेटी का पेशकश 10 की 10 तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी, आपकी 10 की 10 तक की पेशकश। पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी, कैसे है आप? शर्मंदा ही होगे और होना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खास है, जीना सीखना चाहिए। और वैसे भी अभी रात के 10 बज रहे हैं और इसी रात के 10 बजे हम आपको 10 की 10 तक में हम आपको खास कहानियां जरूर बताते हैं। आज की कहानी बेहद ही खास है, तो शुरू करते हैं। अंधे प्यार में पागल महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को तड़पा कर मारा और फिर मासूम बेटी को सुला की मौत। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अंधे प्यार में कातिल बनी महिला और उसके प्रेमी की कहानी। जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी, क्योंकि पति और बेटी की हत्या करने वाले महिला और उसके प्रेमी दोनों जेल में सलाखों के पीछे है। जिस प्यार के लिए दोनों कातिल बने वो भी अधूरा थे। उत्तर प्रदेश से यह खबर और एक घटना सामने आती है, जो कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गोरखपुर जिले के 6 साल पहले की वह घटना, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे जाते हैं। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी, जिसका जिक्र होते ही उसे समाज में कलंक होने के संज्ञान दिया जाता है। कहानी उस हत्यारण की है, जिसने अंधे प्यार में पागल होकर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के लिए सुला दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्यार में बाधा समझकर अपने ही कलेजे के टुकड़े बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। आइए हम आपको इस घटना के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। घटना गोरखपुर जिले की है, शाहपुर के बसंतपुर की है, जो कि अशोक नगर में आता है। 21 जनवरी 2016 को दिनांक ध्यान रखिएगा। रात को डॉक्टर ओम प्रकाश यादव व उसके मासूम बेटे नीति उसके घर में ही निर्मम हत्या कर दी। डॉक्टर की पत्नी अर्चना यादव ने पुलिस को लूट के ये हत्या करने की सूचना दी थी, जबकि डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपनी माँ बद्रेश्वरी देवी को बहू पर बेटे और पोती की हत्या पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। उस वक्त सर्विलेंस पे कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर की घटना की गुत्थी सुलझा ली और अर्चना यादव को और उसके प्रेमी अजय यादव, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल में रहती 2020 में उन दोनों को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अर्चना अपने ससुराल वालों से प्रेम संबंध छिपाने के लिए प्रेमी से दूसरे सिम कार्ड से बात करती थी। उसे बात करने के लिए सिम फोन भी लगाया करती थी, सिम में फोन लगा दिया करती थी। जी हाँ, देखिए कितनी शातिर थी। बात खत्म होने पर सिम बदल दी थी, लेकिन उसके पति को शक हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी प्रेमी को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। पति को शक होने के बाद अर्चना का प्रेम घटना वाली रात ही उसके घर पहुंचा और उसका प्रेमी भी घटने वाली रात को भी पहुंचा और उसके बाद दोनों ने मिलकर घर में ही सो रहे डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उसे हथौड़े से मारकर बेटे में से हत्या कर दी। इस दौरान बेटा नितिन भी जल गया और यही उसकी कठिन समस्या हो गई। इसी दौरान खून से लथपथ पिता को तड़पते हुए देख वो अपनी माँ के गोद में जाकर छिप गया। इस पर अर्चना ने प्रेमी से बेटे को भी मारने की बात की, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद अर्चना ने खुद ही बेटे का गला घोट कर हत्या कर दी। देखिए कितनी निर्मम माँ और एक सास, या कह सकते हैं एक, देखिए कितनी निर्मम माँ और एक बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, कितनी बेरहमी से वो हत्या कर सकती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अर्चना यादव और उसके प्रेमी अजय यादव की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो पिता पुत्र बेरहमी से मारकर हत्या कर दी और दोनों जेल भी चले। उनको दोनों को जेल भी हो गई। जेल जाने के बाद भी दोनों को पछतावा नहीं हुआ। 6 साल की सजा के दौरान भी कई बार ने मिलने की अर्जी दाखिल की, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण कभी न मिल सके। इसी बीच हमें दीजिए छुट्टी, कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे 10 की 10 तक में। बने रहिए।